उत्तराखंड में गैरसैंण राजधानी पर मेरी जीरो ग्राउंड की कवरेज। बिल्कुल मैं गैरसैंण वाली रोड पर हूं अभी, और जहां तक मैं इस जगह की बात करूं, बराबर देवभी उत्तराखंड में कभी बीजेपी का आना तो कभी कांग्रेस का आना बना रहा है। और शायद जब राजधानी डिक्लेयर हुई थी तो धीरे धीरे को राजधानी बनाया गया, कहीं ना कहीं अभी भी बहुत डिमांड है। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है गैरसैंण, और ऐसे लगता है कि मानो इसके पीछे शायद गैरसैंण की जगह की बात करूं, दो मंडल पड़ते हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, ये वो जगह है जो मध्य भाग में पड़ती है गैरसैंण। इसीलिए शायद जनता और कुछ लोकल पार्टियां, उत्तराखंड क्रांति दल जैसी पार्टियों की डिमांड रही हमेशा कि गैरसैंण में राजधानी बने। हालांकि स्थानीय पार्टी की हमेशा डिमांड रही है कि राजधानी यहाँ पर बनाई जाए, लेकिन जब सरकार शायद उत्तराखंड जब राज्य अलग बना तब ऐसा सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया कि राजधानी यदि देहरादून बनती है तो नेताओं के लिए बहुत आसान रहेगा, वहाँ पर बिल्डिंगें भी बनी हुई है कई। और ऐसे बताया जाता है इस जगह पर शायद 12 महीने यहाँ पर प्रॉपर राजधानी होना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर अधिकारियों का रहना, तमाम नेताओं का आना जाना शायद दिक्कत पैदा कर सकता है। इसके लिए कुछ दलील है इस टाइप की सरकार की, हालांकि अब स्थानीय पार्टी बार बार डिमांड कर रहे हैं अभी भी। और फिलहाल ग्रीष्मकाल के लिए यहाँ पर बनाई जाती है राजधानी। वास्तविक कभी समय आएगा, कोई सरकार आएगी कि हमेशा के लिए यहाँ पर गैरसैंण में राजधानी बनाई जाएगी, ताकि दोनों जनता के लिए मध्य भाग है ये, आने जाने के लिए शायद आसान पड़ेगा। इसीलिए शायद इसको राजधानी बनाने का अभी भी जो यहाँ का लोकल पार्टी और यहाँ के लोग, कई लोग अभी भी इनकी डिमांड लगातार होती रहती है। क्या वास्तविक बन पाएगी तो शायद समय ही बताएगा, और मुद्दा भुलाने में लगातार प्रयास किया जा रहा है अभी भी। देखते हैं कि आगे क्या वास्तविक हो पाएगी नहीं पाएगी, ये तो समय ही बताएगा। देखिए गैरसैंण पर मेरी जीरो ग्राउंड की कवरेज, बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ का।